तो तो <laughs> तो मुझे मेरे चैनल जरूरी हाँ, आपने 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 ये 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 पूछा था जिस तरह <laughs> सवाल तो मुझसे बात बात की थी, आ, आपने भी बात की थी थी ना भी कि हम अब बैठ बैठ के 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 फैमिली के साथ टेलीविजन नहीं देख सकते हाल हालात हो रहे हैं इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं बाइक नहीं चला सकता मजबूरी है तो मैं अपनी बेटियों को सिखाना चाहता हूँ मुझे खुशी होती है उस वक्त बात पे एक 600 सीसी, सी सीसी की बाइक लेके कि वो लोग जो हैं टूटी हुई सड़कों पर बाइक चला रहे हैं बेचारे ये आपने एक ऐसा सवाल कर दिया मेरे पास इस तरह के एड्स के बहुत ऑफ़र हैं हेलमेट में आप देखा जाए तो पास साठ कैटेगरीज हैं सिर्फ तो वो फिर गाइड करना पड़ता है हमारे जो बाइकर्स हजरात हैं रिलीजियसली मेरी बात हजरा से बहस हुई है और उन्होंने मुझे ये कहा भी है वो उस पर मुझे कन्विंस नहीं कर सकते एक लड़की होते हुए एक बिजनेस को चलाना आप मुझसे कहलवाना कह, चाह रहे थे मैंने कह दिया हाँ। काफी मुश्किल है लेकिन بسم الله الرحمن الرحيم भाई बच्चों आप लोग कहेंगे कि आज क्या हो गया है आज ऐसी हो गया हम ऐसे बैठे हुए گفتگو कर रहे थे हमने कहा यार एक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही समझे कि नॉन शख्सियत एंटरप्रेन्योर बाइकर एंड इन्फ्लुएंसर जिन्होंने कहिए कि सैकड़ों हजारों ने तो सैकड़ों लाइफ्स को इंस्पायर किया और उनकी लाइफ में चेंज लेकर आए हैं खैर ये तो मेरे बारे में बात हो रही थी हमारे साथ वैसे मौजूद हैं <laughs> वैसे मौजूद हैं। अनदर बाइकर इन्फ्लुएंसर और ये कहिए कि फीमेल बाइकर इन्फ्लुंसर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर माशा से मोटरसाइकिल uh, ना सिर्फ ये कि देखें कहते हैं ईच वन टीच वन आपको अच्छा काम करते हैं तो हमारे लोग ना उस पर ऐसे करके बैठ जाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई और ना कर सके हम फर्स्ट हो जाएं फर्स्ट हो जाएं ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने फर्स्ट होने की <laughs> सिरे से बात ही नहीं की बल्कि मैं अभी इसे कह रहा था कहने लगी कि ए मेरी वीडियो में फर्स्ट का मत लगा देना तो फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ये कहा है कि फर्स्ट कलर्स मत लगाओ तो हमारे साथ एक बहुत जानी पहचानी है और हमारी बहुत ही प्यारी बाजी महवेश अख्लाक मौजूद है तो देखा हमारी ये पॉडकास्ट फॉर्मल नहीं है हमारी पॉडकास्ट गपशप वाली पॉडकास्ट है हंसी मजाक वाली पॉडकास्ट है और हार्ट टू हार्ट दिल से दिल वाली बात है ठीक है महवेश अखलाक को लोग जानते हैं एज अ बाइकर ठीक है बट हु इज़ महवेश अखलाक हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट कैसा हुआ ठीक है मैविश अखलाक कौन है इसके बारे में पहले बताइए कि बाइकर तो है बाइकिंग कैसे स्टार्ट की लेकिन कहानी नहीं बतानी अपनी स्टोरी दिल की बतानी बनाए बगैर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर और ख़ुशी भी इस बात की हुई कि कराची विजिट पे आज और आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और बाइकर कैसे बनी और क्या वही वाली बात है कि कराची की सड़कों पर जब आप देखते हैं सुबह मॉर्निंग में लड़कियों को जॉब स्कूल कॉलेज जाने में जिस तरह एक ट्रैफिक का फ्लो होता है और लड़कियों को फ़ेस करनी पड़ती है वो चीज़ें तो वो चीज़ें मैं भी फेस करती थी एक वक्त में आज से बारह साल पहले और फाइनली मैंने सोचा कि जब मुझे बाइक आती है चलाने और घर पर मौजूद है बाइक तो क्यों ना मैं बाइक चलाऊं और बाइक पर ही कॉलेज यूनिवर्सिटी और अपनी जॉब पर जाऊं तो फाइनली मैंने इस तरह स्टार्ट किया एक बात थी दिल में वो कर बैठी बस सिंपल अच्छा हुँ। 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 हमारे यहाँ लोग कहते हैं हुई हुई अक्सर लड़कियों के बारे में मेरे पास पहले भी एक आई थी बाइक उसने भी मुझे यही बात कही कि आजकल के दौर में इवन जब आपने स्टार्ट किया तकरीबन दस साल से ऊपर हो गया सालों सालों के, के उस वक्त भी भी कितने लोग बोलते कितनी लड़कियां भी बोलती होंगी हाँ हाँ। ये क्या शुरू कर दिया? लड़कियां के, लड़की हो के। होता ये कि तो बड़ी शर्मो हया के खिलाफ है और ये जनाब इस्लामी के खिलाफ है। क्या है तो मतलब ऐसी ऐसा जरूर सोचते बहुत से लोग हैं लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जब मैंने स्टार्ट की बाइकिंग तो मुझे हर तरफ से अप्रिसिएशन मिली इवन फैमिली की सपोर्ट इन लॉज की सपोर्ट मेरे जो कराची में आपको पता है एक मोहल्लेदारी चीज़ होती है वो वाली सपोर्ट मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिली सपोर्ट मिली इवन मुझे सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि मुझे मीडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली क्योंकि मैं जब स्टार्ट लिया मैंने तो उस वक्त कोई भी इस तरह से नॉर्मली कराची में लड़कियाँ बाइक या स्कूटी नहीं चलाती थी तो मैं भी जब कहीं जाती थी तो मुझे लड़कियाँ देख के शौक होती थी इवन मेरे कॉलेज में कोचिंग में आ, या मैं जॉब पर कहीं से गुजर रही होती थी और ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुक जाती थी तो बस स्टॉप पर जब आप खड़े होते हैं तो यू नो आस के लोग आपको देख रहे होते हैं तो उस वक्त एक थम्सअप करना अपने शीशे डाउन करके अपनी गाड़ियों के और अप्रिशिएट करना तो वहाँ से भी थोड़ी सी इंक्रेजमेंट मिली ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां क्यों स्टार्ट कर ली ऐसा नहीं है लड़कियों की बहुत विश थी और मुझे बेसिकली मुझे खुद भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं अपनी जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट करूँ और मैं अपनी जैसी और भी लड़कियों को स्ट्रांग बना सकूँ तो अलहमद वो भी किया मैंने को आपको आपके मरहूम जो हस्बैंड थे उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सिखाई भी लेके भी दी मतलब हमारे तो कहते हैं यार मैं अपनी बीवी को नहीं चलाने दूंगा उन्होंने बोला आओ चलाओ ठीक है ना? ऐसा अपने है साथ हाँ बिल्कुल ऐसा आ, है, है। बाइक मुझे पहले से आती थी बचपन से शौक था लेकिन जब अच्छा। शादी हुई टू थाउजेंड सेवन में तो मेरे हस्बैंड जो अख्लाक थे मरहूम उनसे मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा ये कैसा शौक है उनके लिए भी थोड़ा सा वो था कि नहीं बस ठीक है लेकिन वही वाली बात है कि आपके माइंड में कोई चीज़ स्टक हो जाए खासकर कोई फीमेल के एक चीज़ होती है ना माइंड में कि नहीं ये काम करना है तो वो चीज़ें मेरे माइंड में थी कहीं ना कहीं तो मैंने कहा बस एक दो बार मैं चलाऊंगी और बस हो जाएगी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चलो ठीक है अगर आपकी ख्वाहिश है आप चलाना चाहती हो तो उस वक्त मुझे बेसिकली आती भी नहीं थी मतलब प्रॉपर मैं ऑन रोड नहीं हुई थी अकेले वो वखलाक ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया उसमें मुझे हेल्प आउट किया और मैं अकेले मैंने बाइक सीख ली बट मुझे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में मुझे अकेले राइड करनी पड़ेगी या फिर फ्यूचर में मैं बाइक चलाऊँगी भी तो वो वाली चीज़ थी ना कि मुझे चलाना है तो वो बस उनकी ज़िंदगी में मैंने वो बाइक चलाई एक दो बार ख्वाहिश पूरी हुई छोटी सी वीडियो बन गई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिर आप ख़त्म कर देते तो वो चीज़ थी ये नहीं पता था कि फ्यूचर में मुझे चलाना है या क्या करना है या मैं बाइकर भी बनूंगी या यहाँ तक पहुँचूंगी ये चीज़ें नहीं पता थी तो उनके तकरीबन डेथ के बाद 2012 में उसके बाद मैंने बाइकिंग जो है वो स्टार्ट की मोटरसाइकिलिंग शुरू कर दी हाँ आपने टूर्स भी किए हैं हाँ सोलो नहीं, मैं मुझे सोलो से कुछ लेन देन नहीं फर्स्ट हो सोलो हो दो हो चार हो ये चीज आप तो कह नहीं, नहीं हाँ, हाँ आपने टूरिंग की है मोटरसाइकिल पे टूरिंग की है विद फ्रेंड्स की है विद फैमिली मेंबर्स की है हुए कहाँ पहला ट्रिप सबसे पहला, पहला ट्रिप छोटा कहाँ से किया था और फिर या कहेंगे पहली छोटी राइड कहाँ से की थी या लॉन्ग राइड कहाँ से की थी और फिर लॉन्गेस्ट कहाँ की अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइक में हम टूर भी कर सकते हैं बाइकिंग अच्छा। तो मैं ऐसा लेती थी कि आप कॉलेज कोचिंग यू नो एक जगह से दूसरी जगह कराची सिटी हाँ, में हाँ, हाँ। डेली कम्युनिट के लिए वो चीज़ें मैं लेती थी लेकिन जब मैंने बाइकर ग्रुप ज्वाइन किया जिस तरह से बाइकर्स हैं जो कराची दो दरिया ट्रैक पे होते थे जब उन्हें ज्वाइन किया फेसबुक प्लेटफॉर्म बना वहाँ सोशल मीडिया से मैं जब गई तब मुझे पता चला कि बाइक पे हम एक सिटी से, से दूसरी सिटी भी जा सकते हैं सेफली अपनी प्रॉपर सेफ्टी गैजेट्स के साथ तो मेरा जो छोटा मोटा जो हम कराची में ट्रिप करते थे जैसे चरना आइलैंड हो गया कुंद हो गए गवादर है हाईवे की राइड है हैदराबाद है ये छोटी मोटी राइड्स हमारी कॉन्ट होती थी और जो मेरी मैंने अपनी लाइफ का जो थोड़ा सा लंबा जो सब सबसे पहला सफ़र किया था वो मैंने मुल्तान से बाबूसर टॉप मुल्तान से बाबूसर टॉप बाबूसर टॉप वो मैंने किया था और उसमें मेरे ये भी बता दूं कि एज अ बाइकर टूरिस्ट मेरे इंस्पिरेशन रहे जहाँजेब भाई और फरीद डोगर साहब दोनों में अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नत नसीब करें वो दोनों मेरे इंस्पिरेशन थे इस चीज़ में कि वो जब बाइक पर कर सकते हैं इस एज के अंदर क्योंकि उनकी अच्छी खासी एज थी उस वक्त तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती तो मैंने बस फिर फॉलो करना शुरू किया लोगों से सीखा मैंने कुछ और अपने गैजेट्स मुकम्मल किए छोटे छोटे पैसे जमा करके और फिर बाइकिंग स्टार्ट की अच्छा आप अगर इन नामों को ना जानते हो ये समझ लें कि बंदा कहें कि मुझे बैटिंग जावेद मियाद ने सिखाई ठीक है तो इन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो इतने सीनियर लोगों के साथ आपका ताल्लुक रह गया और इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपका तारुक जिनकी पूरी जिंदगी मोटरसाइकिलिंग के अंदर गुजर गई उनके पास मल्टीपल बाइक्स रहीं उन्होंने ट्रिप्स किए उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था आपने डायरेक्ट उन्हीं से जाके सीखना शुरू कर दिया उसकी वजह ये थी कि जब मैं इन्हें अप्रोच मैंने किया इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी अपनी सिटी में बुलाकर और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि नहीं था उस वक्त लड़कियों का कॉन्सेप्ट इस तरह बाइकिंग करने का और जब जाहिर है वो सीनियर भी थे समझदार थे जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची मेरे पास ये विश अपनी लेकर आई है कि वो बाइक पे सफ़र करना चाहती है तो वो मुझे मोटिवेट ही कर रहे हैं तभी वो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं तो उनकी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा पहले मैं सीखी हूँ समझी हूँ उन सारी चीज़ों को कि आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपको पता है कराची की जो सड़कें हैं जब आप यहाँ पे कोई लड़की अगर बाइक चला ले तो वो पाकिस्तान में कहीं भी चला सकती है यू नो तो वो चीज़ें हैं जब आप पहाड़ी इलाकों में बाइक चलाते हैं और जब आप अपने सीनियर से सीख कर जाते हैं उनकी मोटिवेशन के बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके अंदर एक आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए तो फर्स्ट ट्रिप जो मेरा हुआ था मुल्तान से बाबू सर टॉप उसमें कहीं ना कहीं मुझे डर था इतना डर था कि मैं बाबू सर टॉप के बाद आगे मैं ट्रैवल नहीं कर पाई मुझे था वो चीज़ें और इवन ये कि उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्योंकि मैं मेरी जिंदगी का एक ये है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ पहले वो काम करती हूँ फिर बताती हूँ शुरू से मेरे साथ ये चीज़ें तो वो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि मैं वो ट्रिप करने गई हूँ बाद में लोगों को पता चला कि मैं ये करके आई हूँ तो वो डर भी था लेकिन डर से ही आपके रास्ते खुलते हैं जब आप आगे ट्रैवल कर रहे होते हैं आप कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं सीख रहे होते हैं तो वहाँ से आपके रास्ते खुलते हैं और फिर फाइनली अगर हम अपने फियर्स को बस पकड़ के रख लें कि यार छोड़ो क्या जरूरत है छोड़ो घर पर रहो बहुत मुश्किल है तो कभी भी कुछ अचीव नहीं कर ऐसा ही है और अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो माशाला से पहली अचीवमेंट पर बात करते हैं जो ग्रेजुअली स्टार्ट भी हुई और अभी तक चल रही है और कराची से स्टार्ट हुई और इस्लामाबाद तक आप जहाँ पर अब रह रही हैं वहाँ तक चल रही है वो ये कि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि जनाब कि मैंने बस सीख ली तो मैं जनाब आली ए डोले वेखे नहीं वेखे आपने कहा कि यार मैं अब दूसरों को भी तैयार करूँगी और लड़कियों को भी तैयार करूँगी और आपकी यही बात कि जनाब अगर खौफ में पड़ी रहोगी तो कैसे सीखोगी कैसे निकलोगी सपोर्ट होता है मैंने यही कहता हूँ तो मैंने यही बात पूछी उन्होंने बोला कि मेजोरिटी तो आपको अब आप सपोर्ट करती है अप्रिशिएट करती है कि खातन चलाने को निकलती हैं आपने ये चीज़ लड़कियों में स्टार्ट की और मैं अभी बड़ा बड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि गुलस्तान जौहर में आपने स्टार्ट किया था और गुलस्तान जौहर में इतनी लड़कियाँ आप बाइक चला रही हैं कम्यूट कर रही हैं वो जो आपने एक जो डर था उसको तोड़ा और लड़कियों को सिखाया सिखाने का शौक़ कहाँ से आया देखिए जो चीज़ आपके ऊपर खुद बीत रही होती है ना जब आप चीज़ को फेस कर रहे होते हैं और आपके बस में वो चीज़ नहीं होती है कि आप उसको आ, कर सके मुकम्मल कर सके वो टाइम मैंने अपनी लाइफ में गुजारा है और मुझे पता है मैं विडो होने के बाद मैं किस तरह अपनी लाइफ को मैंने सरवाइव किया मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे भी सपोर्ट नहीं थी उस तरह से क्योंकि मैं शायद वो थी नहीं कि मैं किसी की सपोर्ट लूँ कभी भी शुरू से मेरी ये आदत है कि मैं सपोर्ट नहीं लेती किसी से मैं खुद करना चाहती हूँ तो ये एक गॉड गिफ्टेड भी कह लें आप और एक अपनी अंदर की जो एक चीज़ होती है ना जो आपको मिलामत कर रही होती है यानी यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट तो वो चीज़ थी मेरे अंदर और फाइनली जब मुझे मीडिया ने मुझे वो मौका दिया तो मैं हर मॉर्निंग शोज में जाके ये बात करती थी कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं लड़कियों को सिखा सकूँ क्योंकि लड़कियाँ मुझे अप्रोच करती थी कि हम सीखना चाहते हैं तो मेरे पास तो मेरी अपनी स्कूटी थी अपनी बाइक थी मैं उस पर कितना सिखाती क्योंकि वो गिर जाती कुछ हो जाता तो वो कहीं ना कहीं जाके मुझे एक नजी कंपनी ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया क्योंकि ये मेरी विश थी कि लड़कियों को मैं इंडिपेंडेंट करूँ वो अपने कॉलेज अपने यू you नो know, एक एक मरहूमियत जो चीज़ होती है ना वो ना हो लड़कियों के अंदर लड़... हाँ, हाँ हाँ, हाँ. एहसास महरूमी जो चीज़ है ना वो ना हो और वो इजली जो है अपने ऑफिस गोइंग लड़कियाँ हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं वो ईजली अपनी बाइक को दो पहिए की सवारी जो कि एक सस्ती सवारी भी है उसको इस्तेमाल करें और वो अप, अपनी लाइफ को आसान करें ये मेरा शुरू से एक मोटिव था और आ, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने काफ़ी लड़कियों को ट्रेनिंग दी अब बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी सिखा रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कह रहे हैं शहरों में और काफ़ी लड़कियां उसके बाद से यू नो अभी भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी लड़कियाँ हर शहरों में ईज़ली अपनी स्कूटी या बाइक चला रही हैं और इसी दौरान जब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे चूँकि बाइकिंग का तो एक साइड वो वाला है ये ट्रेनिंग वाला पार्ट और उसी दौरान मुझे एक कॉल आई कि जो कि एक सी पैक रैली हो रही थी खुंजराब चाइना बॉर्डर से गवादर गवादर हाँ गवादर जो के, जो के, रैली बड़ी मशहूर रैली थी हाँ जो कि पीएमआर 2017 के नाम से पाकिस्तान मोटर रैली 2017 के नाम से अभी भी गूगल और सारी चीजों तो वो सी पैक रैली के लिए मुझे अप्रोच किया गया पिंडी से और उसके लिए मैं अग्री कर गई कि जब आपको एक स्पॉन्सर्ड मिल रहा हो एक राइड मिल रही हो जिसमें आप पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकें तो फाइनली मैंने हामी भरी बहुत डर डर के भी क्योंकि मेरे पास वो टूरिंग बाइक थी नहीं अपनी ज़ाती तो बस वो उसके पीछे यही हुआ कि उसके लिए जब मैं अग्री कर गई और फिर मुझे अपनी बाइक से लौट करके और दूसरी टूरिंग बाइक लेकर फिर मैं उस आ, रैली में पार्टिसिपेट किया मैंने जो कि दो अक्टूबर में हुई थी और ये स्टार्ट जो थी वो खुंजरा चाइना बॉर्डर से

चाइना बॉर्डर तक हुआ वो नाइन डेज़ का एक चैलेंज था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कंप्लीट किया और इसमें आई थिंक थ्री हंड्रेड बल्कि आई एम श्योर थ्री हंड्रेड बाइकर्स थे और थ्री हंड्रेड जीपर्स थे थ्री हंड्रेड हाँ

इतने मुश्किल और टफ ट्रैक्स हमने देखे हमने जहाँ पे माइनस फिफ्टीन बाबूसर टॉप पे और बारिश देखी हमने वहाँ पर हम जब नीचे डेरा इस्माइल ख़ान या जुनूबी वज्रस्तान जब हम गए तो वहाँ पे सख्त गर्मी भी देखी शदीद गर्मी।, शदीद गर्मी थी और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ जुनूबी वज्रस्तान में रेस में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने और फिर वहाँ से निकल के कोयटा बलूचिस्तान जोब और पंचकोर और फिर गवादर और गवादर की जो गर्मी है उस वक्त अक्टूबर के एंड में जो हुई हुई थी तो वो काफ़ी टफ था बहुत एक जी एस वन फिफ्टी पे इतना लंबा ट्रैक करना यू you नो know, थोड़ा सा टफ था हाँ। हालत में वो भी और मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त टूरिंग का और मुझे इवन ये नहीं पता था कि अपने गैजेट्स मुझे किस तरह के लेने क्योंकि सर्दी गर्मी आ, हर तरह का आपको लेकिन इतनी एक खुशी भी थी ना कि जब आप जब मैं वहाँ पर गई थी जिस तरह से स्कूल के बच्चे आपको वेलकम करते थे जिस तरह से आपको वहाँ के लोग मकामी लोग वेलकम करते थे कल्चर वहाँ के हमने देखे खूबसूरती पाकिस्तान की देखी यू नो इतना इतना ख़ूबसूरत पाकिस्तान है इतने खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तान के वो चीज़ें देख ना आप भूल जाते हैं अपनी थकावट जो आप बाइक पर और ये आप यकीन करें हमने थ्री हंड्रेड किलोमीटर इन अ डे ये हमने बाइक पर किया तो अलहदुल्ला वो नाइन डेज़ में हमने थर्टी सेवन हंड्रेड किलोमीटर कवर किया और कराची से शायद सिर्फ मैं एक ही थी जो कि खुजरात चाइना बॉर्डर तक वहाँ तक गई थी और कराची से एक खातून, जी मैं अकेली थी सही। बाद में गवादर कराची से काफ़ी सारे बाइकर्स गवादर जरूर आए थे क्योंकि ये फोर लेग्स थे मतलब आप खुंजराब से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान डेरा इस्माइल खान से कोयटा और फिर कोयटा से गवादर कर ले या फिर कराची से गवादर कर ले, तो वो इस तरह से फोर लैक्स दिया था आर्मी ने आई ने और वो अलहमद वो कंप्लीट किया मैंने और मेरे लिए वो एक ऐसा वो उसमें भी मैं आपको बताऊं मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि ये इतना बड़ा ये सारा कुछ होगा अच्छा। और मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि ये कैसे बस वो कहते हैं ना आपकी जब सोच होती है आप कुछ करना चाहते हैं तो वो मज़ा आता गया पाकिस्तान की ख़ूबसूरती को देखती गई और आगे जाती गई और मुझे नहीं पता था कि क्या होना है और फाइनली वो थर्टी ऑफ अक्टूबर टू को जब गवादर में एक बड़ा इवेंट हुआ तो उस इवेंट में सबको मतलब चीजें ये बात इतनी मजे की चल रही है मैं सुन हूं ये मजे मजे की चाय 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 भी है है अच्छी अच्छी पहले बता अच्छा फिर उस गवादर आ, के स्टेडियम में वहां पर मुझे लेडी ऑफ द रैली 2017 का अवार्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिया गया और उसमें एक कल्टस गाड़ी भी गिफ्ट की गई मुझे उस रैली कंप्लीट होने पर तो वो मेरे लिए एक सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ किसी ने एक दर्जन केले गिफ्ट नहीं किए तो कल्टस गाड़ी गिफ्ट हो रही गई लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि देखें ठीक है लोग कहते हैं बीइंग लेडी लड़की होने का फायदा हुआ तो इज लेकिन यू ब्रो, यू ब्रोक अ बैरियर ये बैरियर किसी ने पहले नहीं तोड़ा था बड़ी तो मेहनत की बात तो यही है, है ना कि अंडा खड़ा करके दिखा दो जब आपने तोड़ के खड़ा कर दिया दूसरे कहते हम भी कर सकते लेकिन पहले क्यों नहीं किया तो यू ब्रोक अ बैरियर सो यू गॉट रिकॉर्डेड फॉर दैट मैं समझता हूं इस चीज़ को सही है तो कल्टस गाड़ी आपको उसके अंदर मिल गई तो देन हाउ डिड द लाइफ हाउ डिड योर लाइफ प्रोग्रेस आफ्टर दैट 2017 के बाद मैंने देखा हजूर में भी आई थी आप मीटअप पे आई मीटअपी ठीक है ना ऑल पाकिस्तान बात में भी जगह जगह आप, आप आती थी ग्रुप्स के साथ ठीक है पार्टिसिपेट करती थी इट्स लाइक आपने अपने आप को उस बाइकिंग कल्चर में अपने आप मेंसर भी है कि पाकिस्तान का बिगर टूरिज्म और बाइकिंग कल्चर में आपने अपने आप को एम्बेड किया ऐसा ही की इन सब चीजों को स्टडी करें और वो स्टडी फिर आपको कहाँ लेके गई ये आप 2017 की बात कर रहे हैं मैं 2013-14 से मैं पाकिस्तान के हर इवेंट्स को कोशिश करती थी जहाँ जहाँ से मुझे इनवाइट किया जाता था मैं कराची में होते हुए हर इवेंट्स को पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करती थी हर इवेंट्स में जैसे आपने मरीखाजोट का बताया चोलिस्तान जीप रैली का बताया तो ये इससे बहुत ये इन सारी चीज़ों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और उसमें सिर्फ एक ही मकसद होता था पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करना और जब मैं अपने सीनियर्स से मिलती थी उस वक्त यू you नो know, बहुत कुछ सीखने को मिलता था एक मोटिवेशन मिलती थी उस वक्त की जो एक आपका एक एक अभी भी वो चीज़ें हैं अभी भी मैं बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो अगर मुझे कोई भी इनवाइट करे तो मैं ज़रूर जाती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी बाइकिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करूँ उनको उन्हें प्रमोट करूँ क्योंकि इस जब हम इन्हें प्रमोट करेंगे हमारे पाकिस्तान का टूरिज़म प्रमोट होगा और एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए मैं हर वक्त कोशा हूँ और रहूँगी इन और क्योंकि अपने पाकिस्तान मुल्क से मोहब्बत जो है तो ये टूरिज्म को भी प्रमोट किया बाइकिंग को भी प्रमोट किया और फिर 2017 के बाद जब मुझे ये सारी चीज़ें मेरी ये अचीवमेंट्स हो गई मैं ख़ुद थोड़ी सी शौक थी कि कैसे हो गया क्या हुआ मतलब एक आप सोचते भी नहीं है ना वो चीज़ आपके साथ ऐसा एकदम हो जाए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है तो वहाँ से मुझे ये लगा कि अब मुझ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि एक तो लोग ज़ाहिर है आपको अप्रिशिएट कर ही कर, रहे होते हैं कि जब आप इस फील्ड में होते हैं फॉर बिंग अ गर्ल मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ा ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आसान था मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं इसमें और बस वही वाली बात है कि आप समझदार थी थोड़ी मच्योर थी बहुत अच्छे लोगों के साथ सीनियर लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे कुछ सीखना और ख़ुद भी उस पर रिसर्च करना इवन यूट्यूब पर भी बाइकिंग को ये सारी चीज़ों को देखना वो कहीं ना कहीं जाके आप सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ कि आपको अपने आप को कैसे लेकर चलना है अपनी कम्यूनिटी के अंदर और फाइनली 2017 में जब ये सारा कुछ हुआ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साथ साथ चल रहा था वही बाई स्कूटी ट्रेनिंग और बाइक ट्रेनिंग का वो भी मैंने कंप्लीट किया जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ फाइनली फिर मैंने अपना सेटअप करने का सोचा कि मैं अपना इंस्टीट्यूट क्लब खोलूं जो मैं जॉइंट वेंचर कर रही थी एक नजी कंपनी के साथ फिर मैंने सोचा कि अपना करूं फिर अपना करने के लिए जब मैं मुख्तलि अपने बहुत कम लो बजट में पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ जो बड़ी शहर हैं जैसे लाहौर और इस्लामाबाद यहाँ मैंने विजिट किया कि यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ से भी कॉल्स आती थी लड़कियों की कि हमें बाइक है तो बस वो विजिट किया तो मुझे फाइनली इस्लामा पसंद आया वो मेरा एक ड्रीम था और कि इस्लामाबाद की सड़कों पर बाइक चलाना और फाइनली पसंद आया मुझे लगा कराची पसंद वाले को तो वैसे भी इस्लाम पसंद आता है क्योंकि हैं कराची में सड़कें बट कराची तो है ना बस वो सीख कर तो बन के तो मैं यहीं से गई हूँ जो कुछ, कुछ भी है और मैं हमेशा यहीं की रहूँगी और मुझे फ़ख्र है कि मैं कराची से हूँ और

आप गलत स्टार्ट करें और उसको आगे जाके सही, सही करते करते करते, करते चले जाएं आपकी भी मैंने देखा कि एक प्रोग्रेशन चलती चली आ रही थी मैंने एक चीज देखा कि वट यू लर्न आपने जो भी सीखा आपने आगे जाके लोगों को बताया बताया अभी तक बता रहे अब लोग कहते हैं कि यार आप बता तो नहीं है बड़ी अच्छी अच्छी बातें ये हमें मिलेंगी कैसे तो आपने उसका एक प्रैक्टिकल सेटअप इस्लामाबाद में किया बाय द नेम ऑफ Inspiration. Inspiration खलाक पूरा yes. नाम दिया अखलाक रावल पिंडी इस्लामा वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त ये बताइए बहुत कुछ हो रहा है, <laughs> बहुत, कुछ हो रहा है। <laughs> बहुत कुछ हो रहा है और इन शाह होता रहेगा और इतनी मैं कह सकती हूँ मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि जब आपकी एक तो मजबूरी में ये एक शौक नहीं था ना ये एक मजबूरी में मैं आई बा, बाइकिंग की तरफ फिर ये मेरा शौक बना ठीक है पैशन बना फिर पैशन से प्रोफेशन बन गया अब वो कैसे बना जब मैं यहाँ से इस्लामाबाद गई कि लड़कियों का इंस्टीट्यूट क्लब मैं एक लाहौर में खोल लूँगी एक इस्लामाबाद में लाहौर मुझे थोड़ा नहीं समझ आया या आप कह लें कि मेरी मसरूफियात ही इस्लामाबाद में हो गई मैं लाहौर नहीं आ सकी कराची में ऑलरेडी चल रहा था वो सेटअप अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं वो लेकिन आप कोई और दूसरी लड़कियां उसको चला रही हैं वो तो आपने एक कहते हैं जो पौधा लगा दिया अब उसके फल आने शुरू हो गए फल आना शुरू हो गए तो जिस तरह आपने सेफ्टी गेयर की बात की वो चीज़ें फिर मैंने अपने पास अपने आउटलेट पे रखा जबकि लड़कियां जो आएंगी बाइक सीखने के लिए उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ फिर उसके साथ इम्पोर्टेड हेलमेट्स वगैरह रखना शुरू किया तो अब साथ साथ ये कि कुछ ब्रांड्स हैं जो बाइक्स के हैं वो काम करना चाहते हैं साथ और कर रहे हैं तो इस तरह वो पूरी एक शोरूम की शक्ल इख्तियार कर गई और अब अलहमद अलहमदल्ला वहाँ पर हम वो सेटअप जो शोरूम का होता है जिसमें बाइक्स और इम्पोर्टेड हेलमेट सेफ्टी गेयर यू नो और ऑयल और, और पार्ट्स एसेसरीज वो सारी चीज़ें जो है डे टू जैड आपने में प्रोवाइड किया तो अगर आपके पास बाइक नहीं है आप इनके पास जो है बाइक मिल जाएगी आप लेकिन मेरे पास हेलमेट नहीं है हेलमेट मिल जाएगा राइडिंग गियर मिल जाएगा ग्लव्स मिल जाएंगे आप बोलेंगे मेरे बाइक के मेंटेनेंस के पार्ट्स नहीं मिल रहे तो वो मेंटेनेंस भी आपको ही प्रोवाइड करके देंगी और बाय द वे जो बाइक इनके पास सामने खड़ी हुई नहीं है इनकी माशाल्लाह से इतनी समझे कि कि समझे के साथ ये आपको जो मोटरसाइकिल के पास खड़ी भी, भी नहीं है वो भी आपको अरेंज करवा के दे सकती है मैंने एक बात आपसे कही थी कर दूँ कर, कर, <laughs> कर मैं कहता तो था ये मैंने इनसे बोला मैंने बोला ये क्या वजह है ये क्या वजह है कि हर कोई बोलता है जी बाइक तो हमने फला जगह से बुक करवाई है लेकिन हमें डिलीवरी जो है ना वो मैवेज के पास से चाहिए

ठीक है और शायद मैं अपने क्लाइंट्स को मैं ये समझती हूँ कि जब मेरा कोई क्लाइंट अपने बीस तीस चालीस लाख रुपए लगा रहा है अपने मिलियंस लगा रहे अपनी बाइक पर तो मेरा ये राइड बनता है कि मैं उसको एक घंटा दो घंटा टाइम दूँ उनको समझा सकूँ इस तरह मेरी नॉलेज में भी चीज़ें आती हैं उनको समझाने में और मैं उन्हें भी समझा पाती हूं तो यहां से आपकी कस्टमर सेटिस्फिकेशन होती है फिर वो शायद चीज लोगों को एक ये कह लें कि एक ट्रस्ट लेवल आपका बहाल होता है और फिर लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसा नहीं है आपके अगर माइंड में ये चीज है कि मैं लड़की हूँ फॉर बींग अगर लोग मेरे पास आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो मुझे मेरे चैनल पे जलील हाँ, करना जरूरी है आपने ये पूछा था जिस तरह आपने ये सवाल उठाया तो आपने मुझसे यही बात की थी ना कि शायद आप लड़की हैं तो ये एडवांटेज है लेकिन ऐसा नहीं है

थोड़ा सा कम कर दिया लेकिन सिखा रही हूँ क्योंकि की है। और पैसे ना। आ, सेंस चल रहा है ये काम आपका साथ साथ। चल रहा है साथ। कोई लड़की क्योंकि मेरे ख्याल में मैं ये इसलिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ अगर कोई बाइकर लड़की आइंदा आकर आपके पास कुछ सीखना चाहे या वो किसी तरह की उसको हेजिटेशन हो कि मैं बाइक चलाना चाहती हूँ मुझे कम्यूट करना चाहती हूँ मैंने एक बात आपसे भी पूछता हूँ आजकल का जिस तरह का माशरा होता चला जा रहा है

एक तो उनकी जो यू नो कंपाउंड कह लें उसको जो लड़कियों का होता है वो बड़ा छोटा सा होता है उसमें एक कंडक्टर का आना यू नो लड़कियों को ये नेचुरली ये जो चीज़ें हैं जो हम बचपन से देखते आए है, है आप कुछ ऐसे आ, इलाके में भी देखते हैं सुजुकी वैगन वगैरह जो होती हैं जिसमें लड़कियाँ बैठती हैं बिल्कुल फ्रंट सीट पर मर्द भी बैठ रहे हैं लड़कियाँ भी बैठ रही हैं अब उनकी मजबूरी है वो बैठ रही है वो नॉर्मली आप जो आजकल जिस तरह के वो ये चले में क्या कहते हैं उसको ड्राइव वगैरह राइड शेयर हाँ इस तरह की चीजें वो वो अफोर्ड नहीं कर सकती ऑफिस गोइंग लड़कियाँ जो है जाहिर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी मजबूरी है लेकिन जब वो हम जैसी लड़कियों को ऑन रोड देखती है ना जब हम बाइक पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हसरत भरी निगाहों से देख रही होती हैं तो वो अभी भी चीजें हैं उस चीज उस चीज को खत्म करने के लिए हम और आप जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है जिनका ये राइट बनता है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही ना पहले कभी किया है ना अब कभी कर रही है वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं करा पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकिन आप लोग लोगों को देख के उनको हाँ, एक, एक चीज उम्मीद तो मिलती है और फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल वो फिर ऐसा देखिए मेरे पास मैं चूंकि एक ऐसे आउटलेट पे बैठती हूँ जहाँ पे मर्दों का भी आना है औरतों का भी आना है लड़कियां भी आती हैं तो हर तरह की बातें हर तरह की चीज़ें हर तरह का एक्सपीरियंस होता है अब मेरे पास वो आ, हजरात भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की बेटी को बाइक सिखाना चाहता हूँ मैं अपनी वाइफ़ को बाइक सिखाना चाहता हूँ मैं आउट ऑफ सिटी रहता हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ या मैं बाइक नहीं चला सकता मजबूरी है तो मैं अपनी बेटियों को सिखाना चाहता हूँ मुझे खुशी होती है उस वक्त इस बात पर कि कोई भी कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ को लेकर आ रहा है और कोई पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं तो ये देखिए कहीं ना कहीं वो एक जो टैबू था वो टूटा है अब लड़कियां चला रही हैं बाइक और अच्छी बात है हर कोई तो गाड़ियां फोर व्हील तो कोई भी अफोर्ड हर लड़कियां नहीं कर सकती ना तो इजी है और मेरे ख्याल में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला जो है ना ये अब लड़कियां नहीं इतना सेफ फ़ील करती और मेरी नज़र में ये सेफ है भी नहीं अगर मेरे ख्याल में अगर आप अपनी मेरे ख्याल नहीं ख्याल के कराची में रहते हुए कोई एक फैमिली ऐसी बची होगी कि जिनकी कोई ना कोई जानने वाली लड़की या खातून ऐसी हों जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज की हो और उनके साथ कोई नाखुशवर वाकया पेश नाक हम यहाँ बयान भी नहीं कर सकते लेकिन और वो सारे वो भी बयान, बयान नहीं, नहीं करती कर हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। कि अगर वो बयान करेंगी अगेन तो उनके अपने घर वाले बोलेंगे की भाई कॉलेज जाना छोड़ मैं आपको बताऊँ मैं आज थ्रोटल इंस्पायरेशन पे बैठी जरूर हूँ इस्लामाबाद जरूर हूँ मैं इन सब चीज़ों को फेस करके बैठी मैं भी मैं वो वही लड़की हूँ जो मैं भी बस पे सफ़र कर चुकी हूँ मैं वही लड़की हूँ जो मैं चिंची पे भी सफ़र कर चुकी हूँ मैं वही लड़की हूँ कि मेरे पास ऑटो के भी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकूँ तो ये सारी चीज़ों को फ़ेस करके मैं वहाँ तक बैठी हूँ तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि एक लड़की को एक औरत को हमारे इस माशरे में क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें वो फ़ेस अभी तक कर रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि पहले फिर भी माहौल कुछ बेहतर था अब वो चीज़ है नहीं मुझे ये तो चीज़ें बहुत ख़राब हाँ। हो गए कहीं ना कहीं कोताही हमारी कमी हमारे हुक्मरानों की है कि वो नहीं देख पा रहे इस चीज़ को आ, वो एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे मुझे लगता है कि करना चाहिए सपोर्ट और सोशल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर तो हम बहुत सुनते हैं कि जी आज फलाँ स्कूटीज़ दे दी गई आज पिंक स्कूटी दे दी गई ये देखो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता पंजाब नहीं। में भी आपको पिंक स्कूटी नज़र नहीं आती कोई ऐसा सेटअप समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है वो बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे एक हेडलाइन चलाने के लिए वो चीज़ ज़रूर है लेकिन सपोर्ट पीछे से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और तो और उसके अलावा जो मैंने आ, मेरे ख्याल में आप भी इस बात से एग्री करेंगी जिसमें हम बात करते रहते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में मर्दों को मोटर सिखाया मोटरसाइकिल सिखाने की कोई नेशनल लेवल क्या कोई प्रॉपर राइडिंग स्कूल्स नहीं है नहीं ट्रैक नहीं है आप ये देखें करोड़ों की बाइक इम, इंपोर्ट करके मंगवाना टैक्स देकर मंगवाते हैं लोग और इतनी महंगी महंगी बाइक्स आती हैं ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड सी सी तक की बाइक्स यू नो आती हैं एक सिक्स हंड्रेड सी सी थाउजेंड सी सी की बाइक लेके लोग जो हैं टूटी हुई सड़कों पर बाइक चला रहे हैं बेचारे और इंजन बाइक की गर्म हो क्योंकि वो लो यू नो स्लो चलने वाली बाइक तो होती नहीं है तो कोई ट्रैक ही नहीं है और हमारी बाइकिंग कम्युनिटी ऐसी है कि अभी तक ट्रैक के लिए उस तरह से उस लेवल पे जाके आवाज़ उठाती भी नहीं जो बात है तो वो अगर पुलिस उनको रोक दे कि ये आप इतनी सलेंसर वाली इतनी तेज़ आवाज़ की बाइक या इतनी तेज चलने वाली बाइक ना चलाओ ठीक है वो अपनी जगह लेकिन वो डिमांड तो अपनी करें ना एटलीस्ट आकर इन फ्रंट होकर और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी जगहें पाकिस्तान में हर शहर में कराची में लाहौर इस्लामाबाद यू नो के पी के वगैरह हर जगह है वहां पर चाहे तो एक प्रॉपर ट्रैक बन सकता है बाहर आप दूसरी कंट्रीज में देखें तो वहां पर ट्रैक है ट्रैक के अपने हैं कि आपने अपना ट्रैक सूट पहनना है आपकी जो आ, सेफ्टी है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है लेकिन पाकिस्तान में बेचारे सारा कुछ हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास कोई ट्रैक अनफॉर्चुनेटली नहीं है और लेकिन हम बड़े शौक से इंस्टाग्राम बाइकर्स बन जाते हैं ओ यस और इंस्टाग्राम बाइकर की बात करें ना हाँ लड़कियों की फिर बात आज कल अगर मैं अभी किसी टेलीविजन मूवी फिल्म की बात करें पाकिस्तानी फिल्म की बात करें टीवी की बात करें किसी चीज की बात करें उसमें जो बड़ी माजरत के साथ जो फीमेल राइडर्स दिखाई जाती हैं लड़कियों को राइड करते हुए दिखाया जाता है जब पेरेंट्स देखते हैं ना तो कहते हैं बेटा तुझे तो हाँ। मैं स्कूटर लेके नहीं दूंगा ऐसा ही है ऐसा ही क्या एक जनरल एक परसेप्शन जो जिस तरह का बना हुआ है जिस तरह जो एक लड़की को बाइक चलाते हुए दिखा रहे हैं जिस तरह के लिबास में दिखा रहे हैं जिस तरह की उसको जिस कॉनोटेशन में दिखाया जा रहा है इट्स नॉट वेरी मतलब एक मिडिल क्लास शरीफ आदमी कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करता अपनी बेटी को लेने के लिए और मेरे ख्याल में आ, यही चीज़ आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट है और इसी चीज को आप लोग जो है वो तोड़ना भी चाहते हैं कि जनाब आपके पास क्या इसके अंदर डिफरेंट होता है मेरे पास ये आपने एक ऐसा सवाल कर दिया मेरे पास इस तरह के एड्स के बहुत ऑफ़र है लेकिन मुझे उसमें अपनी यू you नो know, अपना गेटअप पूरा चेंज करने को कहा गया जिसके लिए मैंने हमेशा मना किया जो मैं नहीं कर सकती uh, मेरी चीज़ मुझे नहीं अंदर से वो चीज़ uh, इजाजत देती और मैंने कई एड्स अपने मिस्ड किए हैं इस चक्कर में कि मैं ना अपनी ड्रेसिंग उस तरह की कर सकती हूँ ना मैं आप सही कह रहे हैं ऐड में आप देखते हैं लड़कियों को कोई uh, उनकी जो ड्रेसिंग जो भी चीज़ें होती हैं मैं नहीं उसको सपोर्ट करती कहीं ना कहीं किस हद तक वो अब आप उसको किसी भी सेंस में लें लेकिन आ, मेरा जो अपना तरीका है ना वो यही है कि अब मैं अगर कुछ ऐसे एरियाज़ में जा रही हूँ जहाँ मैं सोलो की बात नहीं कर रही अगर मैं अकेले राइड कर रही हूँ डेली भी डेली बेस पे भी जा रही हूँ लेट लेट सपोज़ मैं अपने रावलपिंडी इस्सामबाद से निकल के मरी भी जा रही हूँ अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो ये बालों की जो चो, चो चोटी है ना ये भी मेरी जैकेट के अंदर हो ताकि लोगों को पता ना चल सके कि अकेली लड़की खातून सब देखिए कहीं ना कहीं फिर भी मैं ये बात कहूँगी कि नहीं है लड़कियाँ सेफ़ पाकिस्तान में अब मैं कहूँगी ये बात नहीं है सेफ़ पाकिस्तान में मैं नहीं सेफ़ मैं बहुत अनसेफ फ़ील करती हूँ बहुत सारी ऐसी जगहों पर और कुछ ऐसी जगह है आ, पाकिस्तान का ही है जैसे गलगित हंसाए मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ मैं मैं वहाँ जब भी जाती हूँ मैं अकेले भी होंगी ना तो मुझे लगता है कि कोई नज़र भी नहीं उठा कर देखता वो टूरिज़्म इतना ऊपर जा चुका हुआ है वहाँ पर उन इलाकों में और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं एजुकेशन लेवल उनका एजुकेशन लेवल उनका देखिए एजुकेशन की बाद नहीं बात वही वाली होती है कि आप एक दूसरे को देखकर भी आपकी गैदरिंग बहुत मैटर करती है नो तो मेरा ये हमेशा से कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बाइक पर हैं तो आप अपनी प्रॉपर गैजेट्स का ख्याल रखें सेफ्टी गेयर का ख्याल रखें अपना अपने हेलमेट का ख्याल रखें अब अगर आप कलरफुल से शलवार कमीज पहन के यू नो दुपट्टे आपके कहीं लटक रहे हैं आप बाइक चला रही हैं वो चैन में भी आने का खतरा है फिर लोग भी देख के आपकी तरफ की जी कलरफुल सा कपड़ा है और वो जा रही है वो चीज़ें नहीं वो आप प्रॉपर अगर आप अपना एक एक गैजेट्स रखें जब आप बाइक राइड करें तो वो आप जैकेट पहनें और अपना हेलमेट जो भी आपका सेफ्टी एटलीस्ट आपके पास सर्टिफाइड हेलमेट्स होना जरूरी है ताकि अल्लाह ना करे आप गिरें तो आपका सर सेफ रहे

तो ये सारी चीजें सर्टिफाइड हेलमेट है ये राइडिंग गियर है ये इस्तेमाल करो मैं तो ये भी, भी बता रही होती हूँ कि बजट रेंज क्या है आपकी आ, आ, जरूरत क्या है आप डेली के लिए चाह रहे हैं टूरिंग के लिए चाह रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक है हर किसी की अपनी कैटेगरीज है ऐसा नहीं है हेलमेट में आपको पता है खुद भी कि हेलमेट में आप देखा चाहे तो पचास साठ कैटेगरीज हैं सिर्फ तो वो फिर गाइड करना पड़ता है हमारे जो बाइकर्स हजरात हैं ये सारी गाइडेंस के लिए लड़कियाँ नहीं मर्द हजरात भी इनसे रब्ता कर सकते हैं ठीक है ना <laughs> इनका मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा थोड़ा इंस्पिरेशन का ठीक <laughs> है मेरे ख्याल में मैवेश और दूसरी जो बाइकर्स होती हैं तो बाइकर लड़कियां हैं वो इस बारे में बहुत एक किरदार अदा कर सकती हैं कि हमारे माशरे के अंदर जो एक टबू बन जाता है किसी चीज़ को देखें रिलीजसली मेरी बात हजरात से बहस हुई है और उन्होंने मुझे ये कहा भी है वो उस पर मुझे कन्विंस नहीं कर सके ठीक है नॉट द फैक्ट उनके पास को कोई इसका कोई साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं था अगर कोई खातून अपनी बकद्रे ज़रूरत अपने घर से निकलती हैं और वो अपने घर से निकलने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं वो चार बसों में सफ़र करे या मोटरसाइकिल पर सफ़र करे इसमें कोई फ़र्क़ नहीं है। और उसके लिए अगर वो मोटरसाइकिल सीखती हैं एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए सलीक़े के साथ सीख कर तरीक़े से रोड पे आकर मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करती हैं ना सिर्फ वो कि वो इकोनॉमिकल भी होता है बल्कि वो सेफ भी है सेफ भी है। उनके लिए और दे इज नथिंग रॉन्ग इन इट और मैं यही इसी वजह से मैंने महवेश को यहां पर बुलाया था मैंने कहा आप इस बारे में जरूर बात करें जाते जाते एक बात करूंगा मैं जी जी नाउ यू आर एन ऑनप्रनो अब एक बिजनेस चला रहे हैं अब ये लगी लिपटी कुछ नहीं बोल रहे दिल की बताएं हाउ हार्ड इज इट एक लड़की होते हुए एक बिजनेस को चलाना इज इट हार्ड और इज इट इजी कंपेयर टू अगर आप समझती हैं कि मत के, के में। थोड़ा सा मुश्किल है मुश्किल 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 है काफी मुश्किल वो है काफी मुश्किल है काफी मुश्किल <laughs> आप है आपको थोड़ा काफी काफी वो आप मुझसे कह कहलवाना चाह रहे थे मैंने कह, कह दिया हाँ। काफ़ी मुश्किल है लेकिन बहुत आ, मैं कहती हूँ बहुत आपको इसके लिए उर्दू का वर्ड नहीं जतन करना वो करना पड़ता है कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान में जो बड़े जो बिजनेस बैठे हैं जिनके साथ स्पेशली मैं काम कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उनको उन्हें खुद भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आपका स्टाइल बिल्कुल चेंज है बिजनेस करने का मुझे ऐसा लग, मैं ब्लेम नहीं कर रही लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी उन्हें मज़ीद कुछ आ, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है जो बहुत बड़े इम्पोर्टर भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जिनके साथ इवन मैं ब्रांड के साथ जो काम कर रही हूँ मैं उस हवाले से कहूँगी कि उन्हें चाहिए कि बहुत अच्छी चीज़ है कमा रहे हैं अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान को बिज़नेस दे रहे हैं हम एक दूसरे का घर हमारा चल रहा है हमारी रोजी रोटी चल रही है तो उसको कहीं ना कहीं बेहतर करें और अच्छा बिजनेस करें और किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं कमा रहे हैं तो उसको सीरियस लेकर चलें ना कि मजाक में लेकर चलें बड़ा खतरनाक मैसेज है मुझे नहीं पता इन्होंने किसको बुलाई लेकिन जिसको भी बोला ना उम्मीद अब तक ये बात पहुंच जाए सबके पास पहुंचे आई एम श्योर पहुँचे पहुंचे खातून होते हुए यू हैव टू डिप थ और आपको बहुस, बहुस बहुत बहुत सारी मौाक़ पे खड़ा होना पड़ता है मुझे इवन ये भी फील होता है कभी कभी कि शायद मैं ये इतनी मेहनत अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं कर रही होती तो शायद बहुत कुछ बन जाती ये तो खैर ये तो खैर हर पाकिस्तानी यही सोचता हाँ। है जो किसी भी काम में लगता लेकिन है लेकिन वही बात है कि अपने मुल्क से मोहब्बत तो है दिल उदास हो जाता है जब ये सोचती हूँ लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है आसान नहीं है बिजनेस करना एक लड़की के लिए आसान नहीं है मुझे पता है मैं सारा दिन क्या क्या चीज़ें फेस कर रही होती हूँ तो इतना Uh, कोई भी चीज़ हलवा तो होती नहीं कि आपके सामने वैसे ही पेश आपको पता है स्ट्रगल करना है आप कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है hmm. तो वो कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ कमी है बीइंग अ फीमेल आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट भी फील करने को मिली yes, है बिल्कुल ठीक है ना हाँ। तो बाज तो आपको बहुत ज्यादा ही असॉल्ट hmm. uh, तक हुआ आपके ऊपर यस 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 इसी इसी मंथ हुआ था यही टाइम था और ये सारी चीज़ें थी लास्ट ईयर हेरसमेंट भी होता है फेस करना पड़ता है यू नो सम टाइम जो हुँ. रिसेंट मेरे साथ लास्ट ईयर जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी वो चीज़ें हैं मतलब आ, मैं अब क्या कहूँ मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती हाँ. वो बहुत बेड टाइम था लास्ट ईयर यही टाइम यही दिन था यही वीक था तो वो क्या कह सकती हूँ मैं ये है कि एक तो really uh, hmm. uh, आदमी के साथ होता हाँ, है, है। uh, मैं बहुत uh, कहते हैं ना जब आपको मुश्किल और टफ टाइम मिलता है तो उसके बाद ही आप स्ट्रॉन्ग बनते yeah. तो ये लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक यही फर्स्ट से जो टेंप्टर वाला टाइम पीरियड था uh, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतना सब कुछ फ़ेस करना पड़ेगा बट थैंक्स टू माई बाइकिंग कम्यूनिटी जिन्होंने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया और मेरे शाना बशाना खड़े हुए हैं ना कि सिर्फ़ रावलपिंडी इस्लामाद से इवन पूरे पाकिस्तान से तो मुझे वो सारे लोग याद हैं जिन्होंने मेरे हक में आवाज़ उठाई थी मुझे सपोर्ट किया था मेरे पास आए थे मुझे पूछा था वो एक इंसिडेंट था एक छोटा सा अटैक कह लें जो मुझ पर हुआ था लेकिन मैं उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ शैतान लोग बीच में होते हैं जो आपको यू नो आपकी ज़िंदगी को दोबारा से वो चीज़ें करें कुछ यू नो बिज़नेस आप कर रहे हैं जब आप मार्केट में बैठे हैं तो आपके पास इस तरह के लोग आते जाते हैं तो नहीं हिम्मत हारी अभी भी नहीं हारी और इन मेरा अल्लाह अगर चाहेगा तो मैं ऐसी सिचुएशन को अल्लाह ना करे मेरे साथ या किसी भी लड़की या लड़कों के साथ भी बिन ये इस तरह के मामला आएँ लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो मैं जरूर फेस करूंगी मैं बहुत बहादुर हूँ हाँ, तो मुझे और क्या चाहिए वो कहते ना कि तूफान सर से गुजरते ही रहे हैं फानों से वफ़ा आज भी मध्यम तो नहीं है ऐसा ही है ठीक है ना जी मुझे पता है गुफ्तु में मज़ा तो आ रहा होगा सब लोगों को लेकिन हम भी थक गए हैं

आपके साथ मजबूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें लेकिन एक अखलाकियात के दायरे में रहकर यू नो मतलब आप हर चीज़ को देखें कि हमारी सोसाइटी किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और क्या नीड है हमारी सोसाइटी की आप जिस कल्चर में रह रहे हैं जिस शहर जिस गांव में जिस जहां कहीं भी रह रहे हैं आप वहां की चीज़ों को देखें कि वो क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है तो आप देखें लोग किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप जब इखलाकियात के दायरे में रहकर कुछ करेंगे और आपके ऊपर कोई उंगलिया नहीं उठाएगा तो मेरे ख्याल में, में जाए तो हमारे यहाँ तो अभी तक लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बहुत सारी जगहों पर लड़कियों की कैसे बाइक चला सकते देखिए लड़कियों लेकिन इस पर गलती कोई है तो आप चीज़ आपकी नजर में सही है जिसमें कोई खामी आपको नजर नहीं आ रही बिल्कुल ऐसा ही है तो उसको तो ज़रूर करें अगर आप करना चाहें हाँ, तो करें उसको करने में कुछ नहीं लेकिन हिम्मत चाहिए होती। हिम्मत चाहिए होती।, हाँ। होती है आप आ जाती है हिम्मत जब आप करते हैं शुरू में आपको दो चार छः दिन आठ दिन हफ्ता वह महीना बातें सुननी पड़ती हैं लेकिन कोई बात नहीं आप इग्नोर करें ये सोच कर के आपकी ज़िंदगी में आपको चलाने वाला वो शख्स या वो जो लोग आपके ऊपर उंगलियाँ उठा रहे वो नहीं आएगा करना आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है तो मेरे ख्याल में हिम्मत होनी चाहिए और मुझे आ, मैं ये भी कहती हूँ कि फैमिली भी सपोर्ट करे अपनी बच्चियों को अपनी बहनों को अपनी बेटियों को ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक सेफ है छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है चौदह पंद्रह साल के बच्चे आ, अपनी वालदा को पीछे बैठा बाइक चला रहे होते हैं सो लड़कियाँ है क्यों नहीं मेरे ख्याल में बिल्कुल मुझे बारह देखिए आपके सामने होना बारह साल हो गए अलहमदल बाइक चला रही हूँ आप जैसे सीनियर लोगों के साथ उठती बैठती हूँ सीखती हूँ बहुत कुछ तो आएँ अगर अब मैं कहती हूँ लड़कियाँ दूसरी लड़कियाँ भी महवेश मह बन सकती हैं आएँ वो करें काम जो मेरे मुझसे जो होगा आ, सपोर्ट जो जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तो रेडी हूँ और अवेलेबल हूँ हर सच्चाई तीन मराहल से गुजरती है मैं पहले भी कर सकता उस पर पहला स्टेज है कर नहीं सकते दूसरा है करने नहीं देंगे तीसरा स्टेज होता है कैसे कर लिए हमें भी सिखाओ तो मेरे ख्याल में आप तीसरे स्टेज पर आएंगे आई बिलीव आई कुड एंड आई डिड तो वो चीज़ मैंने किया Sorry. मुझे यकीन था अपने आपके ऊपर मैंने hmm. उसके लिए कोशिश की और hmm. अलहमद किया मैंने और कर रही हूँ hmm. और करती रहूंगी क्योंकि मेरे वीडियो होने के बाद ना ये बाइकिंग लाइफ है जो मुझे इतना बिजी रखी है और आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ वरना मैं आपको पता हमारी सोसाइटी में एक विडो की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक हैरसमेंट का भी सामना करना पड़ता है आपको दूसरी चीज ये कि आप आपको बहुत सारी चीज़ों से निगलेक्ट किया जाता है आप बहुत सारी चीज़ों को आ, मतलब इग्नोर कर दिया जाता है एक एक विडो जो भी खातूनू तो मैं शायद उस डिप्रेशन में नहीं गई उन गलत लोगों के हाथ नहीं लगी और मैं आज खुद इनडिपेंडेंट होके अगर अपना अपने आप को भी और इवन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ तो चीज़ें बहुत कुछ फेस की मैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रही हूँ और ना मैं हारूँगी इन हिम्मत ना हारें कंसिस्टेंटली किसी काम में लगे रहें तो आपको ज़रूर उसमें कामयाबी मिलती है लड़कियों तुमको भी मैं कह रहा हूँ चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मैंने तो चाय पीनी है मेरी चाय हो गई ठंडी ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महविशभा जी का बहुत बहुत शुक्रिया टेक केयर अल्लाह हाफिज़ राइट से वेयर हेलमेट शॉर्ट इंस्पिरेशन बाय बाई महविश अखलाक को ज़रूर आप लोग विजिट कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब है भी कीजिए मैं ये मुझे ये ना ये ये मेरी ये कैप नहीं पहननी थी कह रही थी मैं दूसरों के ब्रांड को क्यों प्रमोट करूं मैं इनका चैनल क्यों प्रमोट करूं चलो कर दिया कर दिया ठीक है चल अल्लाह देखना नॉर्मली बात करेंगे सुनते रहें आगे आगे देखो आगे आगे देखें होता क्या है अभी तक आपको कोई रिस्ट्रिक्टिव गुफ्तगू नहीं है ठीक है अभी तक ऐसी गुफ्तगू ऐसी करनी है ठीक है कुछ भी नहीं करना हमें इसमें आके भाई टोटली चेंज्ड हो गया बहुत ज्यादा कहते हैं ना खुदा जब तो खुदा जब तो हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है ठीक है चेंज रिकॉर्डिंग आपने रोक दिया था ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है इसको मैं कट कर दूंगा वो मसलन बाय द वे इनको हमारी वो चाय के कप के ऊपर इतरा के इतना खुशपूरत कप नहीं है हमने बोला गरीबों का कप ऐसा ही होता है तो मैं भी पीता रहूंगा तो ये भी पीते रहेंगे चाय कोई मसला नहीं है ऐसी बात ना तो करें हाँ। यही कप में चाय पीकर हम बड़े हुए हैं जब बात है।